What's up guys, good morning to everyone. I am Sudhir. So today lecture disaster art current affairs. So welcome to study mission. I hope to all of well. So आज बहुत ही प्यारा दिन है दोस्तों. आप लोगों ने जितने लोग बाहर रह रहे होंगे वो बहुत मिस कर रहे होंगे अपने माँ को. तो आज बहुत ही प्यारा डे है. सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू. अगेन आई विशिंग यू हैप्पी मदर्स डे. सो मैं भी मिस कर रहा हूँ अपने माँ को. तो आप देख रहे हो इमेज में. तो ये बोला जाता है कि हर एक रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को उसके चेहरे पर, ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी. तो ये बहुत ही ये सुंदर बात, और बहुत ही हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं लाइफ में माँ के साथ. क्योंकि माँ कभी दो बच्चों में मिलावट नहीं करती है. माँ कभी एक डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं भेदभाव, वो कभी नहीं करती है किसी के साथ. तो ये और कभी थकती नहीं है वो. आप जब भी देखोगे वो मुस्कुराएगी और आपको मोटिवेट करेगी. तो ये बहुत ही ये आज का दिन बहुत ही प्यारा दिन रहने वाला है. तो इन्जॉय करिए और एक बार अपने माँ से बहुत ज़रूर बात करिए आज, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा दिन है और आप मिस कर रहे हो. तो एक बार ज़रूर माँ से बात करो, और ऐसे तो बात करती रहनी चाहिए अपने परिवार से, अपने फैमिली से, जितने लोग दूर रहे और रह रहे हो. तो एक बार ज़रूर आज कॉल लगाइए अपने माँ को और ज़रूर बात करिए, और मैं भी बात करूँगा श्योर. चलिए, और देखिए वही चीज़ कही गई यहाँ भी कि हर रिश्ते में मिलावट देखी है, लेकिन कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को उसके. देखो यार, ये शब्द जो है ना, ये कितना भी बार पढ़ो लेकिन ये कहीं ना कहीं नए लगती है. तो ऐसे ऐसे जो शब्द होती है, ऐसे ऐसे जो वाक्य होती हैं, हज़ार बार पढ़ लोगे. जैसे पिक्चर कोई होती है अच्छा आप लोगों के लिए, तो पिक्चर हज़ार बार देख लोगे लेकिन वो कभी पुराना नहीं लगती है. इसीलिए इसी तरह आपको जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, कभी काल वो कभी हज़ार बार पढ़ने पर भी पुराना नहीं लगते हैं. सो आई वी अगेन यू हैप्पी मदर्स डे. सो आइए, आज क्वेश्चन थोड़ा कम रहने वाला है क्योंकि आज संडे है और एक स्पेशल डे है. इसलिए मैं आज क्वेश्चन थोड़ा कम डाला ताकि आप इन्जॉय भी कर सको अपने टाइम को यूटिलाइज करके साथ. आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. और क्वेश्चन हम फर्स्ट है, आज 7 क्वेश्चन है मेरे पास. सेलिब्रेशन डे टुडे. जी हाँ, तो जैसा कि मैंने बात किया था, तो हैप्पी मदर्स डे. और 9 मई को हर एक 9th मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है. और इसी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीम जो है, थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थीम आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से. तो इस बार का जो थीम दिया गया है, इस थीम में भी आपको देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस जुड़ गया है. तो ये भी बात कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है. तो इस थीम में भी कोरोना वायरस को जोड़ दिया गया है. क्यों, आपको मैं अभी बता रहा हूँ. तो व्हाट इज द थीम ऑफ मदर्स डे 2021 के लिए मदर्स डे का थीम क्या रहने वाला है? तो कीप मदर्स एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाने की बात की जा रही है. जो जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले लॉकडाउन में कि बहुत सारे मदर्स बेबी को जन्म दे, अपने रोड पर भी जन्म दे दी बेबी को. तो ये चीज़ें जो हो रही हैं सोसाइटी में, बहुत सारे महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको अभी बेड नहीं मिल पा रही है कोरोना वायरस के चलते. तो कोविड से भी बचाने की ज़रूरत है जो मदर्स के न्यू बॉर्न हैं उनको भी और मदर्स को भी. तो ये अभी थीम है 2021 का, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नंबर थर्ड है HRW फुल फॉर्म. तो ह्यूमन राइट्स वॉच होता है इसका फुल फॉर्म, ये ह्यूमन राइट्स वॉच होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRW का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में. HRW की अगर बात करें थोड़ा सा, तो HRW ह्यूमन के राइट्स को बात करता है. ह्यूमन राइट्स पे जो भी कुछ होता है उसके लिए ये बात करता है. जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट्स द न्यू नेम ऑफ द डबल म्यूटेशन ऑफ COVID-19? जी हाँ, अभी डबल म्यूटेशन आपको देखने को मिला है COVID-19 का, कोरोना वायरस का. तो इसका नया नाम आपको याद रखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. तो इसका आप याद रखिए, न्यू ये नेम है डबल म्यूटेशन का, तो B.1.617. जी हाँ, इसका यही नाम है आपका म्यूटेशन का डबल. ये बहुत ही खतरनाक म्यूटेशन निकल कर आ रहा है अभी फिलहाल, इसकी वजह से मृत्यु हो रही है. DRDO का फुल फॉर्म,
तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैंने बहुत बार बता चुका है कि ये क्या करता है, ये डिफेंस के सेक्टर में डेवलपमेंट करता है। लेकिन अभी इसकी सिचुएशन, अभी कोरोना वायरस को देखते हुए, ये अभी हमारे हेल्थ के ऊपर भी काम करने वाला है, काम करना शुरू कर दिया है। तो कोरोना वायरस को देखते हुए ये सिर्फ डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन ये अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन में ये वैक्सीन पर भी और सिलेंडर्स पहुँचाने के लिए भी यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट आज का, और आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो जहाँ पर PDF मिल जाएगा आपको। विच डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 8th May 2021। जी हाँ, 8 मई यानी कि कल के दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया था, जैसा कि मैंने बात भी किया था इसके बारे में, तो रोड क्रॉस डे, ठीक है। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया था। सो आज एक और डे है जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्मदिन है, उनके जन्म जयंती महोत्सव पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ये भी 9 मई को ही मनाया जाता है। तो काफ़ी लोग फोकस कर देते हैं सिर्फ मदर डे पे, लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि ये महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन महाराणा प्रताप से रिलेटेड पूछ जाएगा और आपको याद रहेगा मदर्स डे का केवल, तो इसलिए दोनों ही आपको याद कर चलना है। सो कल लेक्चर में मिलते हैं फिर। सो अपनी के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।